हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपना दूसरा एपिसोड लेकर। इरम क्लासेस एजुकेशन की तरफ से आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। क्या है कि हम लोग को ना ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूलाज लगता है। हम लोग सोचते हैं यार ये फॉर्मूला किसने बना दिया, ये फॉर्मूला की वजह से हम लोग हमेशा एग्जाम में कम स्कोर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं फॉर्मूलास को हम अगर याद करने के बजाय उसको सीख ले कि फॉर्मूला बनता कैसे है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसलिए हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है बल्कि फॉर्मूला सीखना है कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं अपने फॉर्मूला में। आप देखिए मैंने लाइन से यहां पर तीन फिगर बनाया हुआ है, तीन आपके सामने फिगर में। पहला है क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड और तीसरा है सिलेंडर। जैसे कि हमारे कुछ बच्चे जो है हिंदी मीडियम के भी होते हैं, उर्दू मीडियम के भी होते हैं, इसलिए उनके लिए भी शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहला यहां पर जो है वो है समघन और ये है घनाभ और ये है लंब बेलन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमें पता करना है कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, पेरिमीटर यानी परिमिति कैसे निकाली जाए और इसी तरह से वॉल्यूम यानी घनफल कैसे निकाला जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठफल कैसे निकाला जाए और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठफल हम कैसे निकालें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इस वीडियो की। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा इरम क्लासेस एजुकेशन चैनल जो हमने आप बनाया है वो आपके फायदे के लिए बनाया है, आपकी खिदमत करने के लिए बनाया है, सेवा करने के लिए बनाया है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो याद रखें ताकि आपको नया नया हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको पहले ही फुर्सत में सबसे पहले आपको नजर आ जाए। तो ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्यूब, क्यूब हम इसमें देखें सबसे पहले एरिया। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो एरिया है वो क्यूब का नहीं होता, कभी भी याद रखना एरिया हमेशा बेस का निकाला जाता है, आधार का निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो क्यूब है, क्यूब का जो बेस होता है वो बेस स्क्वायर होता है। क्यूब का स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर होता है यानी कि वर्ग होता है। तो इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब एक सबसे सिंपल चीज बता दूं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो यहाँ पर रेक्टेंगल हो और चाहे नीचे सर्कल हो, हर एक का फॉर्मूला निकालने के लिए आप एक ही फॉर्मूला, एक ही पॉइंट हमेशा याद रखेंगे और वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी कि हमारे को याद रखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये अगर हमने ध्यान रखा इन तीनों में हमको वही सेम चीजें देखनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्यूब है, क्यूब में सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें पता है कि स्क्वायर की लंबाई और स्क्वायर की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमारा यहां पर फॉर्मूला होगा एल इंटू एल इज इक्वल्स टू L square। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला बड़ी आसानी से बन गया L into L यानी L square। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर अगर हम देखते हैं क्यूबॉइड में, तो यहां पर हमारा L into B, L into B यानी लेंथ into ब्रेथ, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला यानी एरिया क्यूबॉइड के बेस का हमें पता चल गया।
इसी तरह से हम जब सिलेंडर देखेंगे तो सिलेंडर में जो हमारा बेस होता है वो सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग जो है वो यूनिट्स होते हैं। दो अलग अलग यूनिट्स, कौन से दो यूनिट? तो एक यूनिट होता है जिसे हम पाई कहते हैं। इसमें यूनिट जो है वो पाई कहलाता है, जिसे आप लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, ये पाई होता है। और इसी के साथ इसमें आर होता है, आर यानी रेडियस, हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं, आर यानी रेडियस, ये इसके साथ होता है। क्योंकि ये आर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आर इसमें डबल आता है, तो हम लेंगे आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कैसे आया, आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक सर्कल होता है तो सर्कल में जो हमारे पास स्क्वायर में, सर्कल में जो हमारे पास रेडियस बनता है, चारों तरफ रेडियस होता है, तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर यहां भी है, आर यहां भी है, इस तरह से आर स्क्वायर हमें बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा एरिया फाइंड हो गया। ये हमने जो एरिया निकाला है वो इन तीनों के बेस का निकाला है। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसकी पेरिमीटर यानी परिमिति निकालेंगे। परिमिति, पेरिमीटर, ये भी बेस का ही निकाला जाता है। परिमिति का मतलब क्या होता है, अब हम देखते हैं परिमिति, पेरिमीटर, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो इसका एक ही आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि पेरिमीटर का मतलब है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी भुजाओं के मापों का योगफल। बस हमको सिंपली ये याद रखना है। अगर हमने ये याद रख लिया, उसके बेस पर देखिए अब हमारे पास सबसे पहले क्यूब है यानी स्क्वायर है जिसका बेस, तो इसमें हमें इसके चार साइड होते हैं, चारों इक्वल होते हैं, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल यानी फोर टाइम एल। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया फोर एल, एकदम आसानी से बन गया। इसी तरह हमारे पास जब हम क्यूबॉइड लेते हैं तो क्यूबॉइड का पेरिमीटर जब हम लेंगे तो वो क्यूबॉइड का पेरिमीटर यानी कि हम लेने जा रहे हैं रेक्टेंगल का पेरिमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरिमीटर इसमें क्या होता है, दो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, दो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी हम लेंगे एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, मतलब टू टाइम्स हम एल लेंगे और टू टाइम हम बी लेंगे। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला भी रेडी हो गया। अब हमारे पास आ रहा है सिलेंडर। सिलेंडर का हमें पेरिमीटर निकालना है, तो सिलेंडर का पेरिमीटर निकालने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से हमने, जैसे हमें पता है एक होता है हमारे पास पाई और एक होता है आर, आर को हमें यहां पर दुगना करना होता है, इसलिए लेते हैं 2πr, 2πr, और इसे आप इसी तरह से इसको हम और बोल के पाई डी भी ले सकते हैं, 2πr और पाई डी। तो इस तरह से हमारा ये पेरिमीटर तैयार हो गया। अब हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम, घनफल। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब क्या, हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम परेशान हो जाते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम का सिंपल मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, कि किसी चीज में, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी सामान के अंदर कितनी क्षमता है, उसमें अगर हम कोई चीज, चाहे पानी हो चाहे कोई चीज, जब उसमें डाला जाए, उसमें रखा जाए, तो उसमें कितना आ सकता है, उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात है, जब एक एग्जांपल है कि अगर हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, तो ग्लास में जब हम पानी डालेंगे तो पानी सबसे पहले कहां जाएगा, बेस में। तो सबसे पहले बेस का जो एरिया है वो कवर होगा, है कि नहीं, तो बेस का एरिया कवर हुआ, यानी सबसे पहले बेस, और पानी फिर चढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर, तो कहां तक जाएगा, ऊंचाई, जब तक इसकी खत्म नहीं हो जाती।
तो इसके लिए एकदम आसान फॉर्मूला हम इसका याद रख सकते हैं कि अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम का मतलब है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। हमने ये फॉर्मूला अगर याद रख लिया तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर सारे फॉर्मूले बड़े आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर L स्क्वायर, ये L स्क्वायर जो है वो हमारे पास हम जानते हैं कि यहाँ पर ये एरिया है हमारे स्क्वायर का, अगर इसी में हम उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हाइट इसमें L ही होता है, तो ये बन जाता है L क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ गया क्यूब का। अब हमें वॉल्यूम लेना है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला भी रेडी हो गया। इसी तरह जब हमें इसका फॉर्मूला लेना है, यानी सिलेंडर का हमें जब वॉल्यूम बनाना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी हमारे सामने है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम तीनों का रेडी हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक डिटेल में समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है, आप प्लीज मुझे जो है कमेंट्स करें, मैं कमेंट्स में आपको फिर एक बार आपको समझा सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मुझे हमेशा कमेंट्स करते रहें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। देखिए उसके बाद हमारे पास आ रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अब हम ये कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठफल। तो इसे निकाला कैसे जाता है, देखिए वक्र पृष्ठफल का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर का वक्र पृष्ठफल यानी कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि मुझे इसका एरिया नहीं निकालना है और इसका एरिया नहीं निकालना है, बल्कि इसको पूरा गोल जो है इसकी गोलाई का मुझे पूरा एरिया निकालना है। अब आप जानते हो इस गोलाई में, जैसे कि मैंने अभी यहां पर पेरिमीटर में बताया था आपको कि ये जो है ये हमारा बेस का लेंथ एंड ब्रेथ होता है, तो बिल्कुल वही हमें लेना है। पेरिमीटर अगर हम ले लेते हैं और पेरिमीटर देखिए, अगर हम इसका पेरिमीटर ले लेते हैं और इसकी जो हाइट है उसको अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने आप हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, हमारे पास ऑलरेडी पेरिमीटर है, जैसे यहां पर हमारे पास इसका पेरिमीटर है 4L, ये हमारे क्यूब के बेस का पेरिमीटर है, जिसमें हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट को तो इसका हाइट तो हमारे पास क्या है एल है, तो ये अपने आप बन जाएगा 4L स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 4L स्क्वायर, ये क्या बन गया कर्व सरफेस एरिया। इसी तरह से हमें अगर क्यूबॉइड का निकालना है तो क्यूबॉइड का लिए भी हमारे पास बड़ा आसान तरीका है। हमारे पास यहाँ पे उसका फॉर्मूला देखो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये क्या है पेरिमीटर, इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हाइट को, तो इस तरह से आपका कर्व सरफेस एरिया आसानी से निकल गया। अब हमारे पास बचता है सिलेंडर, सिलेंडर का भी हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो आपके सामने है यहाँ पर 2πr, तो हम लेते हैं 2πr और मल्टीप्लाई कर देते हैं h, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2πrh। तो प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा आसानी से चीज समझ में आएगी। जो फॉर्मूला जो सूत्र हमें सोने नहीं देते, रातों में हम परेशान होकर उठ जाते हैं, डर जाते हैं बाप रे सूत्र याद कर रहे हैं कल एग्जाम में क्या करें, तो मुझे उम्मीद है आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे इस एपिसोड को अगर आपको कंफ्यूजन है 2 से 3 बार देखिए, बार बार रिवाइंड करके देखिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सूत्र अपने आप बनाना आ जाएगा। अब आखिरी हम आपको लेके जा रहे हैं
टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठफल की तरफ। संपूर्ण पृष्ठफल या टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरा सरफेस, इसके जितने भी सरफेस है सब का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहला है यहां पर क्यूब। जैसे आप जानते हैं क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, गुड, 6 सरफेस होते हैं, 2 साइड के, एक आगे एक पीछे, आगे पीछे वाला और ऊपर नीचे, इस तरह से 6 सरफेस होते हैं सबका एरिया। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड में 6 एरिया है और हर एक का एरिया फाइंड करना है, 6 साइड है, 6 साइड में हर एक का एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6L² बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसी तरह अब हमें जब क्यूबॉइड का निकालना है तो क्यूबॉइड का भी हम जानते हैं क्यूबॉइड में दो दो अलग अलग, आपके पास दो दो अलग अलग जो है वो एक जैसे एरिया होते हैं, जैसे दो साइड के एरिया और आगे पीछे का एरिया और ऊपर नीचे का एरिया। तो देखिए कितना आसान है ये, हम लिख देते हैं 2 times, पहले लिख देते हैं 2 times, ये है बेस का एरिया। क्या है बेस का एरिया, हम जानते हैं L into B, इसमें हम जोड़ देते हैं। देखिए ये हमने लिखा बेस का एरिया, अब हम लेते हैं इस साइड का एरिया यानी B into H, हम साइड में लेते हैं B into H और इसके बाद हम इसमें और प्लस कर देते हैं और वो हमारे पास आता है आगे का और पीछे का यानी L into H, तो हमारे पास आ जाता है L into H। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, ये हो गया 2 brackets में L into B प्लस B into H प्लस L into H। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया आसानी से हमें इसका भी पता चल जाएगा। अब एकदम आखिर में जो आपके सामने है और वो है सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया यानी सिलेंडर का भी टोटल, इसमें यही आपके सामने सिलेंडर है, इसमें देखिए एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया जो हमने पहले निकाला था और उसी के साथ साथ ये दोनों भी, इसका ऊपर और नीचे दोनों का एरिया भी हमें निकालना है। अब ये दोनों चाहे ऊपर चाहे नीचे दोनों हमारे पास सर्कल है, यानी कि 2 times हमारे पास सर्कल का एरिया आने वाला है, ये 2 times सर्कल का एरिया आने वाला है और इसी के साथ साथ हमारा इसमें कर्व सरफेस एरिया आने वाला है, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRH ये फॉर्मूला आने वाला है। तो अगर अब इसमें हम ध्यान दें कि इसमें कौन सी चीजें हमको कॉमन नजर आ रही हैं, तो हम ध्यान देंगे इसमें 2 और 2 आपको कॉमन नजर आ रहा है, 2 और 2 आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसी तरह इसमें पाई और पाई ये भी आपको कॉमन नजर आ रहा है, इसी तरह इसमें एक आर है, इसमें आर 2 times है, इसमें 1 time है, आर का स्क्वायर है और ये आर अकेला है, तो इसमें भी हम एक आर को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अब ये कॉमन सब बाहर आ गया। अब देखते हैं अंदर हमारे पास क्या बचा, शाबाश आर बचा, वेरी गुड, इसमें आर बचा और उसके बाद हमारे पास आगे आखिर में क्या बचा है यहां पर, वो एच बचा है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला भी रेडी हो गया, 2πR ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े आसानी से ये फॉर्मूला मैंने जैसे सिखाया है आपको समझ में आया होगा और आपने ध्यान दिया होगा। मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में जब आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इस फॉर्मूला को जब आप ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठे होंगे और इन फॉर्मूला को देखते हुए आप अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना काफी है और लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आने वाले एपिसोड में, इसके बाद वाले एपिसोड में मैं आपको इसके आगे का कुछ और फॉर्मूला सिखाऊंगा, कुछ और ट्रिक बताऊंगा, तो मुझसे जुड़े रहे। फिर एक बार कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। और आप मुझे कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। आपका खान सर, थैंक यू।